Hello everyone, myself Dhananjay Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. तो पिछली क्लास तक हमने पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टडी की थी. आज हम आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगी अर्थ, समथिंग लाइक दैट. तो जैसे मान लो कि दिस इज अर्थ और इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, विच इज 6400 किलोमीटर, और इसके ऊपर यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है. इसकी सरफेस पे मास एम और इसका मास है अर्थ का कैपिटल एम. तो अर्थ इस स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगाएगी? फोर्स विल बी इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर. और हम जो जनरली देखते हैं कि फोर्स होता है एम जी के बराबर, सो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो जी विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर. सो दिस इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस एंड विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी. ओके, नाउ अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरी करता है अर्थ की हाइट से. जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ये वेरी करेगा और अर्थ के अंदर भी ये वेरी करता है. कैसे वेरी करता है? सो इसको हम एज ए रेफरेंस ले रहे हैं कि जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर. सो वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ हाइट, हाइट के साथ कैसे वेरी करेगा वो देखते हैं. तो लेट से दिस इज अर्थ और इसकी रेडियस आर ई और यहां पर इसकी सरफेस से एच हाइट पे कोई एक पार्टिकल या फिर मास स्मॉल एम है. तो पहली बात, इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स विल बी इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर. अब यहां से अगर हम आर ई कॉमन ले लें, देन जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू वन प्लस एच अपॉन आर ई ओके इंटू स्मॉल एम. सो ये क्वांटिटी, दिस इज स्मॉल जी. ओके, सो ये जो पूरी क्वांटिटी दिख रही है, दिस इज जी डैश एम जी डैश, एच हाइट पे जो जी की वैल्यू है, दिस इज जी डैश. नाउ जी डैश कितना है यहां से? जी डैश इक्वल टू ये जो है क्वांटिटी जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, दिस इज जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. अब अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, जी इंटू वन प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस टू. नाउ इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, इट मीन्स एच आपका सपोज 100 मीटर 1 किलोमीटर ऐसा हो और रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, विच इज 6400 किलोमीटर, ठीक है. तो अगर एच आर ई से बहुत कम है तो हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं. सो जी डैश विल बी इक्वल टू जी
बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे देन दिस विल बी 1 - 2h अपॉन आर ई, पावर आगे आ जाएगी एंड जी डैश होगा 1 - 2h अपॉन आर ई, और फोर्स कितना लगेगा m इंटू जी डैश। तो ये h बहुत ही कम है तब तक वैलिड है, वो h अगर अच्छा खासा हो जैसे 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तब आप ये लगाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम वेरिएशन देखें, ग्राफ बनाएं जी डैश का, तो जी डैश और एच के बीच में ग्राफ बनाएं, देन एच इक्वल टू जीरो पे जी डैश किसके बराबर है, जी के बराबर, जी यानी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ये घटती जाएगी वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी डैश इक्वल टू जी माइनस 2g अपॉन आर ई इंटू एच। तो यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, तो ये घटेगा कुछ ऐसे। ओके, और इसके अंदर देखें अगर हम अर्थ के अंदर वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनसाइड अर्थ, सो अर्थ का सपोज दिस इज अर्थ, इसका मास एम, रेडियस आर ई, और मान लेते हैं हम इसके अंदर एच हाइट पे एच डेप्थ अंदर है, सो दिस इज आर ई माइनस एच, और यहाँ पर ये स्मॉल आर मिल गया आपको आर ई माइनस एच। यहाँ पर अगर हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी देखें तो कितनी होती है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई, आई इज के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो जाएगी जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो स्मॉल आर को अगर हम वैल्यू पुट करें then I will be equal to Jm upon R cube into Re minus H. Sorry. और अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स कितना हो जाएगा, मास m into small i, अगर हम यहाँ पर मास m देखें तो उस पर फोर्स होगा Gm m upon R cube इंटू आर ई माइनस एच। ओके, सो इसमें से अगर मैं आर ई कॉमन ले लेता हूं देन जी एम नीचे बचेगा आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई माइनस एच एंड इंटू स्मॉल एम, सो ये आपका हो जाएगा जी इफेक्टिव या जी डैश। जी डैश कितना होगा अर्थ के अंदर, जी इंटू आर ई माइनस एच। ठीक है, तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं जब एच एच यहां पर डेप्थ है तो जैसे अब इसमें एच मतलब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि एच आपका आर ई से कम हो। एक मिनट, आर ई आपने कॉमन ले लिया था तो ये 1 - h अपॉन आर ई। ओके, 1 - h अपॉन आर ई, तो यहाँ पर अब कोई बाउंडेशन हम नहीं लगा रहे क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो डेप्थ में आप जैसे जैसे जाते हैं तब भी जी डैश की वैल्यू घटती है, और कैसे घटती है, जैसे मान लो h आपका बढ़ता जा रहा है
एच अगर जीरो है मतलब डेप्थ जीरो है तो जी के इक्वल होगा, जी डैश जो है वो जी के इक्वल होगा और उसके बाद ये भी घटेगा। ओके, और एच जब आर ई के बराबर हो जाएगा तब हो जाएगा जी का वैल्यू जीरो। तो दोनों ही केस में जी डैश की वैल्यू डिक्रीज करती है, जब आप सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी घटता है, अंदर जाते हैं तब भी घटता है। ओके, सो ऊपर जाने में एक कंडीशन है कि एच आपका लेस लेस देन आर ई होना चाहिए, तभी आपका लीनियरली घटता है, नहीं तो कैसे घटेगा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ये वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद हाइट। नाउ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद रोटेशनल स्पीड, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद लैटिट्यूड, कह सकते हैं आप लैटिट्यूड, किस लैटिट्यूड पे कितना होगा, किस पे कितना होगा, तो उस पे चर्चा करते हैं अपन। जैसे लेट से दिस इज एन अर्थ और ये आपका बड़ा वाला बिगर लैटिट्यूड 0 डिग्री, और अर्थ लेट से इज रोटेटिंग विद ओमेगा। अब अगर कोई मास यहाँ पर है अर्थ के, एम दिस इज केस वन, कोई यहाँ पर है एम केस टू, और लेट से कोई यहाँ पर है केस थ्री, तो पहले अपन इसको देखते हैं। तो ये आपकी जैसे ये पूरा लेटिट्यूड बनेगा और ये रेडियस है आर ई। तो अब जब अर्थ रोटेट करेगी और हम अगर इसको ऊपर से इसी पे बैठ के देख रहे हैं तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ एम आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और सेंटर की तरफ अंदर लगेगा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। तो अगर मास एम स्मॉल एम का हम एफबीडी बनाए तो एम आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर और अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स, जी स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम अर्थ का मास स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर यानी एम जी। ठीक है, अब इस पे अगर हम ग्रेविटेशनल पुल देखें तो ग्रेविटेशनल पुल तो इतना है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं जी कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं जी कैलकुलेट कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं वेइंग मशीन लगा के इसका वेट मेजर करूँगा तो मुझे जितना नेट नॉर्मल मिलेगा वही आपका वेट होगा। ठीक है, तो नॉर्मल कितना मिलेगा यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे, कितना नॉर्मल लगाएगी इस पे, तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू, या फिर आप यूँ समझे कि सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है आपका जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर माइनस एम आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स है और इसी नेट फोर्स को मैं कह देता हूँ एम जी डैश। ठीक है, तो एम जी डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर, और जी डैश कितना हो जाएगा, एम को कैंसिल कर देता हूँ तो जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर माइनस आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू जी माइनस रेडियस ऑफ अर्थ इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये केस नंबर वन के लिए जी डैश की वैल्यू हो गई कि जी यहाँ पर भी वेरी करता है ड्यू टू रोटेशन। केस नंबर टू के लिए अगर देखें, केस नंबर टू के लिए यहाँ पर
एक्सिस पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ओमेगा इधर है और रेडियस यहाँ पर जीरो है रोटेशन की, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा। तो जी डैश किसके बराबर होगा, जी के बराबर, जितना ग्रेविटेशनल पुल होगा उतना ही इस पर एक्ट करेगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन केस नंबर 3 पे, ठीक है। सो इन केस नंबर 3, जैसे मान लो कि ये आपका हो गया, यहाँ पर मास है, दिस एंगल इज सपोज लैम्डा लेटिट्यूड एंगल, और यहाँ पर मास स्मॉल एम है। तो अब ये जो मास एम है वो इस रेडियस में ऐसे इस रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, और अगर ये रेडियस आ रही है देन दिस विल बी आर ई कॉस थीटा। तो ये मास स्मॉल एम आर ई कॉस थीटा की रेडियस में घूम रहा है ओमेगा से, तो इस पे बाहर फोर्स कितना लगेगा, एम आर ई कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, और अर्थ का अभी दोबारा डायग्राम बनाते हैं इसको। तो इस पे इधर लगेगा एम आर ई कॉस थीटा या फिर कॉस लैम्डा, अगर ये एंगल आपने लैम्डा लिया है तो, इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इधर लगेगा आपका ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अब नेट फोर्स कितना है, तो शूडो का एक इधर कंपोनेंट कर लें आप, दिस एंगल इज लैम्डा देन दिस इज आल्सो लैम्डा देन एम आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा। तो एफ नेट टुवर्ड्स द सेंटर विल बी इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर माइनस एम आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम कह देते हैं एम जी डैश। सो यहाँ पर जी डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, जी डैश विल बी इक्वल टू, यहाँ से ये एम कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी जी माइनस आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब अगर लैम्डा जीरो हो तो ये मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम हो जाएगा जी डैश, कितना जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और अगर लैम्डा 90 हो तो जी डैश विल बी ओके। सो अर्थ की हाइट के साथ और अर्थ के रोटेशन से जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने डिस्कस किया। सो अब हम आगे बढ़ते हैं सैटेलाइट की तरफ। जब कोई सैटेलाइट, जैसे अर्थ एक सैटेलाइट है सन का या फिर मून सैटेलाइट है अर्थ का, दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। हम उन पे बातें करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये कोई प्लेनेट है, ठीक है, और इसकी रेडियस आर के बराबर है, कैपिटल आर, मास इसका स्मॉल कैपिटल एम, और अब कोई
सैटेलाइट यहाँ से स्मॉल आर रेडियस में इसी के अराउंड चक्कर काट रहा है ऐसे। ठीक है, तो मान लो ये सैटेलाइट है यहाँ पे जिसका स्मॉल एम। तो अब ये जब चक्कर काट रहा है तो इसकी स्पीड है मान लो वी, तो इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा एम वी स्क्वायर बाई स्मॉल आर। और ये कौन प्रोवाइड करेगा, तो ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल कितना हो जाएगा, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया और स्पीड कितनी आ गई, जी एम अपॉन स्मॉल आर का रूट। ठीक है, ये उसकी स्पीड आ गई यहाँ पे। तो एक चीज तो आप ये याद रखेंगे कि आर रेडियस में अगर सैटेलाइट घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, पाथ कैसा है सर्कुलर, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, जी एम अपॉन आर। अब आप अगर रेडियस घटाते जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, नाउ अब ये हो गई स्पीड। अब देखते हैं अपन इसकी एनर्जी के बारे में, या फिर पहले एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एल इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, एम आर और वी कितना है, रूट जी एम अपॉन आर। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम विल बी स्पीड, हमने निकाल ली आर को, अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो एम अंदर जाएगा तो हो जाएगा ये आर स्क्वायर और एक आर से कैंसिल हो जाएगा इंटू अंडर रूट जी एम इंटू स्मॉल आर। तो अगर एक ही रेडियस में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी उसकी तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का रीजन है कि इस मास पे जो भी फोर्स लग रहा है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, और इस पॉइंट से पास हो रहा है तो यहाँ से अगर मैं टॉर्क देखूँ तो उसका टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं इसकी एनर्जी। तो सबसे पहले अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके पास, तो ये आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, ये तो हो गया वहां पे पोटेंशियल इंटू स्मॉल एम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कर लो इसका, सो जी एम बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी आई आपके पास जी एम स्मॉल एम बाई टू आर। तो काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है बट ये पॉजिटिव में है और उसकी आधी है, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई टू। काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आप देखते हैं इसकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा,
माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर प्लस जी एम स्मॉल एम बाय टू आर. सो दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय टू आर. ठीक है. सो टोटल एनर्जी किसके बराबर है, ये आप देख सकते हैं, नेगेटिव में काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. सो इसको आप माइनस काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं. सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज ओके. तो यहां पर टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, ये स्टेबल है. ओके. अब अगर ये हमने बात की सैटेलाइट की, और सैटेलाइट में हमने निकाला क्या क्या निकाला कि सैटेलाइट अगर आर रेडियस में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी आ गई रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर. वो मास पर डिपेंड नहीं करेगी बल्कि प्लेनेट के मास पर डिपेंड करेगी वेलोसिटी. और अब अगर टाइम पीरियड निकाले तो टाइम कितना लगेगा उसको एक राउंड कंप्लीट करने में, देन दिस विल बी इक्वल टू 2πr अपॉन वी. सो 2πr और v को अगर रखें हम यहाँ पे, तो रूट जी एम अपॉन रूट आर, रूट आर ऊपर चला जाएगा. दिस इज सो टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2π और अंदर ये लिखा हुआ है रूट आर क्यूब अपॉन रूट जी एम. इसको स्क्वायर कर लें, देन t स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब. तो ये हाइलाइट के लिए वैलिड है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ठीक है, भी आएगा. और आप जो एक सर्कुलर पाथ है उसके लिए तो परफेक्ट है, बाकी उसमें थोड़े बहुत वेरिएशन है थर्ड लॉ के लिए, थर्ड लॉ के हिसाब से. तो आप इसको याद रखें, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे.